ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं मुस्कान। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर से है। पुलिस मुठभेड़ में विकास दुबे का करीबी अमर दुबे मारा गया। हमीरपुर मैदा के मध्य हाईवे में एसटीएफ और पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया अमर दुबे। वंचित अमर दुबे को आज सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। हमीरपुर जिले में आज सुबह पुलिस व बदमाशों की हुई मुठभेड़। एसटीएफ और हमीरपुर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में हुई अमर दुबे से मुठभेड़। दुर्गा था ये, आज थाना मौदहा पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति, जिसने कि कानपुर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई, तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ, इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है, यहाँ से सारे साक्ष्य जो हैं एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की है, और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पर आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जाँच करा रहे हैं। गाँव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहाँ पर ये किसके साथ था, किसने इसको शरण दी थी। हमारी कई टीमें अभी गांव में भी लगातार पूछताछ कर रही हैं। क्या मिला इसके पास से मौके से? जैसा मैंने बताया, एक ऑटोमेटिक वेपन अभी मिला है और जिससे कि इसने फायरिंग करी थी, और वहां पे ही बैग एक पड़ा हुआ मिला है। बैग को अभी छेड़ा नहीं गया है, जब टीम आ जाएगी फॉरेंसिक टीम तो उसके द्वारा इसको चेक किया जाएगा। किस लेवल का अपराधी था, कितने मुकदमे थे, क्या प्रोफाइल था इसका? देखिए, अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में, जिसमें कि कई पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम था।